So, numerically is calculate the heat of formation of the carbon monoxide from the following data. Data given to you is carbon plus oxygen forming carbon dioxide. ठीक है, and delta H for the reaction is minus 393.5 किलो जाउल्स. ठीक है, नेक्स्ट कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर द डेल्टा एच इज 282.8 आई थिंक. ठीक है, 282.8 किलो जाउल्स. ये दो वैल्यूज आपको कल गिवन थी बेटे, एक कार्बन की कंबस्टन हो रही है, एक कार्बन मोनोक्साइड, और आपने निकालना है कार्बन मोनोक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड. यू हैव टू फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड मींस यू हैव टू फाइंड दिस फॉर्मेशन. ठीक है, आपको ये इक्वेशन चाहिए थी एंड में, आपको ये दोनों गिवन थी, तो हमने पहले देखना होता है हमें क्या चाहिए एंड में. एंड में वी नीड ये दोनों एट इन द रिएक्टेंट साइड और ये वाला प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट साइड है उसको माइनस करते हैं और जो रिएक्टेंट साइड वाले उनको ऐड कर देते हैं, यही हम करते हैं. अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें एक ये चीज चाहिए. ठीक है, और ये किस तरफ चाहिए, यहाँ प्रोडक्ट साइड चाहिए आपको, इजंट इट. तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस करोगे तो ये इक्वेशन नहीं बन रही, गॉट इट. करो फिर माइनस तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, आपको कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, और एक ऑक्सीजन से हाफ ऑक्सीजन माइनस करोगे तो यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसल आउट हो जाएगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस तरफ चला जाएगा. मींस अगर ये देखो ना, जैसे सी प्लस हाफ ऑक्सीजन माइनस सी ओ, तो ये उधर जाके पॉजिटिव ही होता है, तो इक्वेशन ये आ जाती है आपके पास. ठीक है, अगर इक्वल टू के जीरो है तो इक्वल टू के उधर जाके तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो एरो के उधर चला गया. यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस. तो ये नेगेटिव में है, जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा. ओके काव्या, चलो वन टू न्यूमेरिकल मोर एंड देन विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड इन थेल्फी. जस्ट इट विल टेक 1 मिनट, देन विल मूव टुवर्ड्स सेकेंड लॉ. ठीक है, सो कैलकुलेट द इन थेल्फी ऑफ द ट्रांजिशन. See, what is transition when one allotropic form is changed into the other allotropic form. So you are given with, write down, calculate the enthalpy of the transition when carbon diamond changes into carbon graphite. Carbon diamond changes into carbon graphite. Let me move this table here. Okay, so here carbon and the enthalpy of combustion of carbon diamond and carbon graphite is given to you is minus 393.5 and minus 395.4. ठीक है, तो आपने निकालना क्या, पहले कार्बन डायमंड से कार्बन बेटे ग्रेफाइट है. ठीक है, ये जब ट्रांजिस्ट होती है तो क्या इंथेल्फी चेंजेस आती हैं वो हमने निकालना है. ठीक है, दिस वी हैव टू फाइंड. हमें गिवन क्या है, अब लेट अस राइट व्हाट इज गिवन. गिवन आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है कि इंथेल्फी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन डायमंड, कार्बन डायमंड की फॉर्म में, और इसकी कंबस्टन हो रही है मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप इसको हीट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. वैसे ही आपको इनथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट गिवन है, दैट इज यू आर
burning in the presence of oxygen, but obviously you will be getting carbon dioxide. ठीक है, अब इसमें जब इसकी combustion होती है तो जो डेल्टा एच है इट इज -393.5 किलो जाउल्स यू आर गिवन विद. ठीक है, एंड फॉर द ग्रेफाइट यू आर गिवन विद 395.5 किलो जाउल्स. ठीक है, तो दीज टू वैल्यूज यू आर गिवन विद. ओके, अब बहुत इजी है बेटे, जस्ट सी. हमें पहले ना एंड में देखो आपको क्या चाहिए. आप किस ग्रेफाइट उस तरफ चाहिए और डायमंड इस तरफ चाहिए. इसका मतलब आप डायमंड में से अगर ग्रेफाइट माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर. कैसे, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर आप माइनस करोगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसल आउट, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड कैंसल आउट. हाँ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2, दैट इज 1.9. ठीक है, तो कार्बन डायमंड से कार्बन ग्रेफाइट बननी है बेटे, तो कार्बन डायमंड टू कार्बन ग्रेफाइट कैसे बनेगी, जब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करोगे. सिंपल, जल्दी करो और निकाल दो आंसर. हरी अप, डन डन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कैलकुलेट द इंथैल्पी. हाँ, अप्रोक्सीमेटली दिस इज 2. नाउ कैलकुलेट द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर द रिएक्शन. यू आर गिवन विद सर्टेन रिएक्शन दैट इज हाइड्रोजनेशन. और हाइड्रोजनेशन आपको पता है आप एल्कीन्स की करवाते हो या एल्काइन्स की करवाते हो, दैट इज रिडक्शन. तो आपको हाइड्रोजनेशन, आपको इस वही रिएक्शन ही ये हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाया, तो यू आर गेटिंग दिस, दिस इज एल्केन. ठीक है, अब आपको जो डेटा प्रोवाइडेड है जस्ट राइट डाउन. आपको इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन प्रोवाइडेड है एल्कीन की, जो आपकी इथीन है. यू आर प्रोवाइडेड विद इंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ, आई बैलेंस इट आफ्टर वर्ड, of alkene. You are provided with the enthalpy of combustion of alkane. ठीक है, and you are provided with enthalpy of combustion or reaction of hydrogen and oxygen to form water. अच्छा, अब let us balance it first. यहाँ पे 3, 2, 2 एंड डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन इज -1401 किलो जाउल्स यू आर प्रोवाइडेड विद. ओके, ठीक है. अच्छा, एक मिनट, नेक्स्ट सेक्शन के लिए आप ऑक्सीजन यू विल टेक 7/2. ठीक है, and here carbon dioxide and water 2 and 3 and delta H you are provided with -1550 kilo joules. Okay, and for the next fraction this is only half, इसमें कुछ नहीं करना आपने, half, and delta H provided is -286. ठीक है, तो ये आपको डेटा गिवन है बेटे. तो सी द डेटा फर्स्ट और फिर फर्स्ट सेक्शन पे आओ. हमने करना क्या, हमें क्या चाहिए, तो इट विल बी इजियर. ठीक है, फिर आपको अब हमें एंड में चाहिए क्या, तो सबसे पहले हमने यही देखना होता है कि हमें एंड में चाहिए क्या. एंड में हमें ये रिएक्टेंट साइड चाहिए और ये प्रोडक्ट साइड. तो पहले ये देखें कि किस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट साइड है, ये दोनों. तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये है, फर्स्ट इक्वेशन में हमें C2H4 नजर आ रहा है.
और हाइड्रोजन हमें थर्ड इक्वेशन में नजर आ रहा है, ठीक है। ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या नजर आ रहा है? इथीन। और जो ये थर्ड इक्वेशन है आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? हाइड्रोजन। इसका मतलब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं। हमें क्या उस तरफ चाहिए? हमें चाहिए एल्केन, ठीक है। तो इसका मतलब हम अगर इस दोनों इक्वेशन को ऐड करें और अगर इसमें से माइनस कर दें, क्या हमारा आंसर आ सकता है? देखो पहले अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 मोल ऑफ, पहले देखो फिर करना, बस आपने फिर कुछ भी नहीं करना एंड में, आपने दोनों को प्लस कर देना है उसमें से फिर माइनस कर देना, दैट्स इट, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो बेटे, अगर आप इथेन, दैट इज इथीन प्लस हाइड्रोजन, इथीन प्लस हाइड्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन प्लस हाफ ऑक्सीजन, तो जब एल्शियम लोगे तो क्या बन जाएगा? 7/2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे? 7/2 ऑक्सीजन प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 वाटर और ये एक येरा वाटर, तो मीन्स 3 वाटर। तो इस दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को ऐड करके लिखूँ तो आई विल गेट C2H4 प्लस हाइड्रोजन प्लस 7/2 ऑक्सीजन गिविंग मी 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मोल्स ऑफ वाटर, यही तो आ रहा है, इजंट इट, ठीक है। अब ये आ गया मेरा, और अगर इसमें से मैं ये सेकेंड इक्वेशन माइनस कर दूं तो ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा और ये वाला और ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो एंड में आई विल गेटिंग C2H4 प्लस हाइड्रोजन गिविंग मी दिस। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने करना क्या है? इन दोनों को ऐड कर देने, मींस डेल्टा एच भी इन दोनों की ऐड हो जानी है और उसमें से डेल्टा एच ये वाली आपने माइनस कर देनी है। हरिया निकालो, हरिया हरिया ऐड डेल्टा एच ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। ठीक है, डन। यस यस समृद्धि, यू राइट, सो यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द हेसेस लॉ। हाँ राइट, -137, यस काव्या यू आर आल्सो राइट, ठीक है। चलो अब आ जाओ जी, बॉन्ड इन थैल्फी, वो भी बेटे हेसेस लॉ के ऊपर ही एप्लीकेबल है। बट इज बॉन्ड इन थैल्फी, जब मैं बॉन्ड इन थैल्फी की बात करती हूँ तो एक 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, तो आई नीड हाउ मच ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट इज हाउ मच इनथैल्पी चेंज इज देयर। डेफिनेटली इनथैल्पी जब भी आप बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यू नीड एनर्जी। तो व्हाट इज वी कैन से द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। 1 मोल ऑफ द बॉन्ड किसमें होता है? बिटवीन 2 एटम्स, इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी। अगर तो आपका एक डायटोमिक है तो आप सिर्फ उसकी ही बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी देखोगे, अगर आपका पॉलीएटॉमिक है तो इंडिविजुअल बॉन्ड्स की डिसोसिएशन इनथैल्पी निकालोगे और उसकी एवरेज निकाल दोगे, ठीक है, समझ आ गई? ओके। जैसे कि अगर मैं HCl की बात करूं तो मैं सिर्फ HCl की ही बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी निकालूंगी, और अगर मेरे पास CCl4 है
तो उस अलग अलग सीसीएल की बॉन्ड्स की निकालेंगे, फिर उसका हम एवरेज निकाल देंगे. व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट वन मोल ऑफ द बॉन्ड, वन मोल ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, यू हैव टू जस्ट लिसन टू दिस कंसेप्ट. ठीक है, आपको पता ही नहीं होना चाहिए कुछ भी एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड है. अब हम इसके ऊपर बेटे अगेन जैसे हेसेस लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर भी यू हैव टू सी द न्यूमेरिकल्स. ओके, ठीक है. अगर एक मतलब अगर बहुत सारे बॉन्ड्स हैं तो उसका एवरेज निकालो. दैट से जैसे वाटर में देयर इज H2O, तो OH दो बॉन्ड है, तो दो OH का अलग अलग निकाल के देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज. सो लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. सो राइट डाउन द न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द इनथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. द रिएक्शन इज गिवन टू यू इज एल्कीन की कंबस्चन. ठीक है, एल्कीन की कंबस्चन और आपको इसकी डेल्टा एच दैट इज इनथैल्पी चेंज निकालनी है. यू हैव टू फाइंड डेल्टा एच दैट इज यू हैव टू फाइंड इनथैल्पी चेंज. ठीक है, अभी इनथैल्पी चेंज के लिए आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बेटे बॉन्ड वो इनथैल्पी नहीं दी हुई, डेल्टा एच नहीं देगी आपको, बॉन्ड इनथैल्पीज गिवन है. आपको क्या गिवन है? बॉन्ड इनथैल्पीज. तो आप राइट डाउन बॉन्ड इनथैल्पी किस किस की है. जैसे कि सी एच की बॉन्ड इनथैल्पी यू आर गिवन विद 414 किलो जाउल पर मोल. ठीक है, तो हमने क्या बोला, इट इज energy required to break one mole of the bond present between the atom, that is bond dissociation enthalpy. So units bhi waise hai, kilojoules per mole. Okay, that is a energy required. So you are given with the values this. ठीक है, write down the value, फिर मैं आपको explain करूंगी ये numerical करना कैसे आपने. ओके, रिटर्न 460. सीओ का भी लिखो, यहाँ पे सीओ है ना, तो सीओ की भी लिखो. सीओ है 724 किलो जाउल पर मोल. ठीक है बेटे, तो ये डिफरेंट इनथैल्पीज. कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की इनथैल्पी आपको गिवन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की इनथैल्पी की आपको गिवन है, ऑक्सीजन की इनथैल्पी आपको गिवन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की इनथैल्पी आपको गिवन है, और आपको OH की इनथैल्पी गिवन है. अच्छा, अब ये न्यूमेरिकल करते कैसे हैं? देखो CH, ठीक है C. अब अच्छा, इस तरफ रिएक्टेंट की तरफ देखो पहले क्या क्या है, कौन कौन से बॉन्ड है. एक CH है और एक OO है और एक C ट्रिपल बॉन्ड C है. तो मैं खोलूं तो आई हैव दिस. ठीक है, इसको मैं ओपन करती हूँ. तो इस रेक्टेंट साइड आई हैव सी ट्रिपल बॉन्ड सी. ठीक है, आई हैव सी एच एंड आई हैव ओ डबल बॉन्ड ओ. ये मेरे रेक्टेंट साइड के बॉन्ड्स हैं. ठीक है, प्रोडक्ट साइड में जो बॉन्ड अवेलेबल है वो सी डबल बॉन्ड ओ है, वो सी डबल बॉन्ड ओ है. ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ है बेटे. ओके, एंड ओ एच है, ओ एच बॉन्ड है. व्हाट इट आई हैव ऑन द प्रोडक्ट साइड सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच. ठीक है, 460 इज नॉट इन द नेगेटिव,
इट इज ओनली ऑन द पॉजिटिव बेटे. बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी आर इन द पॉजिटिव बिकॉज इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, इज नॉट एन एक्सोथर्मिक. गॉट इट? जनरली इट इज इन द पॉजिटिव एज इट इज रिक्वायर्ड. अब अच्छा, अब आप बताओ सी एच बॉन्ड टोटल कितने हैं? सी एच बॉन्ड 1, 2 और इसको मल्टीप्लाई किससे किया आपने? 2 से. इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 4, इजंट इट? तो इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से. ठीक है, क्योंकि सी एच एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है. अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज हो गए, तो टोटल कितने बन गए? 4. इन द सेम वे सी ट्रिपल बॉन्ड सी 1 था पहले, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितने बन जाएंगे ये? 2. ठीक है, बैलेंस नहीं करी हुई, जस्ट राइट 5 हियर, नाउ इट इज बैलेंस. ठीक है, अब ऑक्सीजन ये एक है और टोटल कितने हैं? 5. तो इट विल बी 5 तो इसको, इसका मतलब इस इक्वेशन में आपने क्या करना है बेटे? 4 मल्टीप्लाई बाय दिस, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन एड दीज 3. यू विल गेट बॉन्ड इनथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट साइड, इजंट इट? बॉन्ड इनथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट साइड, गॉट इट? नाउ कम टू दिस OH. OH के टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? पहले कितने थे? 1, 2. अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने बन गए? 4. कार्बन डाइऑक्साइड आ जाओ. कार्बन डाइऑक्साइड के पहले कितने थे? 1, 2. सी डबल बॉन्ड हो और आपने मल्टीप्लाई किसके साथ कर लिया? 4 से. 4 और 2 आर कितने हो गए? 8. यू विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 8. तो इनको मल्टीप्लाई करके इनको प्लस करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई जिस जिस से प्लस करो, फिर माइनस करो और बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है. हरी अब हाँ जी, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? फाइंड आउट. एंड डू सेंड मी द स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस. इट हैज टू बी फॉरवर्डेड टू द क्लास इन चार्ज एंड शी हैव टू गिव यू द अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट्स. देन ये ग्रुप में डाल दिया करो, केमिस्ट्री ग्रुप में. हाँ जी, जल्दी यस, थोड़ा सा है, थोड़ा सा चेंज. ठीक है, हाँ, इज नियर बाय दिस ओनली. यस, 1853 आई एम गेटिंग. It is nearby, nearby. different answers I am getting. ठीक है, nearby सबके आगे. Okay, चलो अब आ जाओ हम first law को खत्म करते हुए and we'll move towards the second law of the thermodynamics. First law ने क्या बोला है कि energy can't be created nor be destroyed. One form of energy changes into the another form of the energy. ठीक है, and total energy of the universe remain constant. So this was our the first law. So many statement we have done.
So what are the first law of the thermodynamic? What were the limitation? Why we come to the second law of the thermodynamic? Okay, talking about the limitation, let us talk. फर्स्ट लॉ ने हमें ये नहीं बताया कि कोई रिएक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. स्पॉन्टेनियस का मतलब है कोई रिएक्शन अपने आप हो सकती है, किसी को एनर्जी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट लॉ ने ये चीजें हमें नहीं बताई कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस. दिस इज नॉट टोल्ड बाय द फर्स्ट लॉ, मींस द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट. मैं अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन कर रही हूँ तो हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द रिएक्शन इज फिजिबल, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट द रिएक्शन कैन बी डन इटसेल्फ, और यू नीड सम ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी. ठीक है, सो इट फेल टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. एक्चुअली द फर्स्ट लॉ spontaneity of the reaction, that is reaction is a feasible or not. ठीक है, तो second law start करने से पहले you should know what are spontaneous and non-spontaneous process. Listen to me this, you don't have to write, read from the books and it will be easier than for you. Okay, डोंट राइट, सिर्फ सुनो. स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. व्हाट इज फर्स्ट लॉ? हु इज आस्किंग मी? समृद्धि, यू आर आस्किंग मी व्हाट इज फर्स्ट लॉ? समृद्धि, वी हैव डन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो मेनी स्टेटमेंट्स वी हैव डन. जब इंटरनल एनर्जी की मैथमेटिक डेरिवेशन करी थी उससे पहले फर्स्ट लॉ ही किया था स्टार्ट, वो फर्स्ट लॉ ही था. ना हो तो आपने सेकंड लॉ पे आ गए हो. जीरोथ लॉ तो मैंने करवाया ही नहीं आपको. जीरोथ लॉ तो आए ही बाद में है, पहले करवा दूं? जीरोथ लॉ तो मैंने अभी करवाया ही नहीं. उसको जीरोथ लॉ इसलिए कहा जाता है कि जब पहले लॉज आए उसके बाद हाई साइंटिस्ट को याद आया कि एक ऐसा लॉ भी दिए जो इनसे पहले आ जाए. फोर्थ लॉ इसको नाम दे नहीं सकते थे, जीरो दे दिया. अब किसी टीचर ने पहले करवा दिया तो मैं भी आपको पहले करवा दूं? इजन ये चाहते हो आप? जीरो लॉ के बेटे डेफिनेशन है वो इज नॉट सिलेबस, इट इज नॉट इन सिलेबस. ये जो वीडियोस है ना आपको ये खराब कर रही है. चलो अब आओ, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस. टू स्टूडेंट्स है ना, टू स्टूडेंट्स है. एक को मम्मा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ ले अपने आप पढ़ता है वो, है ना. उसको पता है कि मैंने मार्क्स लेने हैं और मैंने पढ़ाई करनी है और मैंने नॉन मेडिकल रखी है. मैंने इसलिए रखी है कि आई वांट अ गुड कॉलेज, आई हैव टू क्लियर जेईस एंड आई हैव टू गेट अ गुड प्लेसमेंट एंड अ गुड जॉब वन डे, है ना. तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट, जिसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी इनिशिएशन की जरूरत नहीं है. वो भगवान की तरफ से इनिशिएटेड है, उसकी मेंटेलिटी ऐसे है, ही और शी वांट टू बिकम अ गुड पर्सन और गुड ह्यूमन बीइंग वन डे. ठीक है, अब कोई बच्चा है जो अपने आप नहीं पढ़ सकता जब तक उसको डंडे ना पड़े, है ना, मम्मा दो थप्पड़ ना लगाएं और जबरदस्ती ऑनलाइन क्लास ना करवाएं. कि दिस इज वेरी नेसेसरी टू अटेंड द ऑनलाइन क्लास एंड लिसन टू अ टीचर and if you will not do your father will scold. मैं उनको शायद लगाऊंगी and this and that, तेरे मोबाइल ले लिया जाएगा, तेरा सब कुछ बंद, ये बंद वो बंद. तो ऐसा बच्चा कौन सा है? नॉन स्पॉन्टेनियस, जिसको ना कोई एनर्जी की जरूरत है काम करने के लिए. ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री में या हमारी साइंस में ऐसी दो रिएक्शन होती हैं, एक होती है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. जैसे हम घर पे बारिश की बात करते हैं, बारिश एक स्पॉन्टेनियस है, पानी नीचे आना
आपने पाइप लगाई है नीचे, आराम से आ जाएगा, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी। टैप खोली, वाटर आ रहा है, ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस में आराम से आ रहा है, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनर्जी फॉर इट, कि हमें एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही टैप खोलेंगे वाटर आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। मगर यही वाटर अगर हमने टंकी में चढ़ाना है, वी नीड अ मोटर फॉर इट, ठीक है, तो हमें एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है, वी नीड समथिंग ड्राइविंग फोर्स। वो क्या है? हमारा मोटर। मोटर क्या करेगी? जब आप मोटर को ऑन करोगे तभी पानी अप हिल जाएगा, मींस टंकी में चढ़ेगा। तो टाइम इज अप, विल डिस्कस टुमारो, दिस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके।